बच्चों, एमपी में बंपर वैकेंसियां सरकारी क्षेत्र में आ रही हैं और आप सभी लोग अब बिल्कुल तैयार हो जाइए। एमपीपीएससी की भी बहुत अच्छी वैकेंसियां और एसआई की वैकेंसी भी नवंबर में लगभग लगभग आना तय है और अच्छी खासी तादाद में अन्य वैकेंसियां भी आ रही हैं। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो और उस मध्य प्रदेश के एग्जाम में मध्य प्रदेश जीके से क्वेश्चंस ना आए या ज्यादा ना आए या उसको वेटेज ज्यादा ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। एमपीपीएससी का एग्जाम है, आप देखते हैं लगभग 35 क्वेश्चंस एमपी जीके से ही आते हैं। अदर कोई भी एग्जाम हो, एमपी का जो पोर्शन है वो सबसे बड़ा होता है। अभी नए सिलेबस में एमपीपीएससी में 10वीं यूनिट जोड़ी गई है और उसमें जनजातीय जो कल्चर है उसको अलग से उसमें जोड़ा गया है। मतलब मध्य प्रदेश भौगोलिक, मध्य प्रदेश कला संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एमपीपीएससी के लिए, और प्री में भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में तो आप देखते ही हैं कि मेंस एमपीपीएससी मेंस में जो बड़ा पोर्शन है एमपी का, वो अगर आप देखें तो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर तक सभी में एमपी जीके लगभग लगभग कहीं पर 40-30% पेपर में है ही है। कुल मिलाकर के एमपीपीएससी प्री हो या एमपीपीएससी मेंस हो या कोई भी एमपी का एग्जाम, उसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान अति आवश्यक है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट ही है एमपी, और उसमें भी चूंकि हम सब जानते हैं कि देश का सर्वाधिक एसटी, देश का सर्वाधिक आदिवासी मध्य प्रदेश में है, सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, तो स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश में जो जनजातीय कल्चर है वो अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जनरली जब मध्य प्रदेश का हम अध्ययन करते हैं तो मध्य प्रदेश के अध्ययन में हम मध्य प्रदेश का जनजातीय अध्ययन भी करते हैं। तो आपको पता ही है कि अगर हम मध्य प्रदेश में एसटी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में अगर हम जनजातियों की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में अगर आप इनके भौगोलिक वितरण की बात करें तो मध्य प्रदेश में ये जो जनजातियां हैं वो पूरे प्रदेश में बिखरी हुई हैं। आप देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश, सभी में जनजातियां पाई जाती हैं। और आप तो जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग 43 प्रकार की जनजातियां हैं। और 2011 की अगर जनगणना की हम बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में 21.10% जो जनसंख्या है वह आदिवासी। तो मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें, एमपी की अगर अपन बात करें, तो यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बना करके और फिर अपन उसको यहां दिखाएंगे। बुंदेलखंड वाला पूरा क्षेत्र है, कटा फटा भाग है बुंदेलखंड का, और यहां से पन्ना रीवा से होकर के और ये भाग सिंगरौली सीधी से नीचे शहडोल का, और उसके बाद यहां से ये पूरा राजस्थान वाला बेल्ट है, झालावाड़ वाला पूरा क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र झालावाड़ बारा लगा हुआ है राजस्थान, ऊपर चित्तौड़गढ़ है,
यहाँ से ये अलीराजपुर बड़वानी वाला बेल्ट है, और यहाँ से अगर अपन चलते हैं ये बुरहानपुर दर्रा, जहाँ से होकर के महाराष्ट्र में अपन जाते हैं, और ये बैतूल वाला भाग है, छिंदवाड़ा वाला बेल्ट है, पांडुर्ना नया जिला बन गया है। अभी आपको भौगोलिक में पूरा डिटेल में समझाऊंगा मैं। और ये बालाघाट का बेल्ट है। मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो एक रफ मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। हम जानते हैं देश की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन में 8.6% जो भाग है OST का है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में 21.10% जो भाग है OST का है। ST मतलब शेड्यूल ट्राइब्स। ST और SC वर्ड ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट में पहली बार आए थे, और आपके 1935 का जो अधिनियम था, 1935 का जो एक्ट है, उसमें फर्स्ट टाइम इनको लीगलाइज किया गया, वैधानिक रूप से शामिल किया गया। तो मध्य प्रदेश में 21.10% जनसंख्या है, और